हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो चलिए हम इस टॉपिक को आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्रेशन करता हूँ। थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं, कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन वेसल ऑफ वॉल्यूम कैपिटल। Let the gas is in equilibrium and T is a absolute temperature. According to Maxwell Boltzmann theory, the number of molecules in ith cell of energy EI is given by. तो जो हमने निकाली थी, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई थी, Ni is equal to A e की पावर माइनस बीटा EI। ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी कि Ni is equal to A e की पावर माइनस बीटा EI। दिस इज द इक्वेशन। आप इसको अपने मेमोरी के अंदर याद रखना, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट या इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, वेयर बीटा इज इक्वल टू 1/kT। नाउ ए एंड बीटा, हमारे पास में अगर मैं बात करता हूँ, आर कॉन्स्टेंट। नाउ ए एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास में बीटा है और के क्या चीज है, एंड के इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ये सभी को पता है के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नाउ number of molecules of the gas having position coordinates in the range x to x plus dx, y to y plus dy, and z to z plus dz. This is the position coordinate. क्या चीज है ये हमारे पास में हो जाएंगे position coordinate, and velocity
एंड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इन द रेंज vx plus dvx, vy to vy plus dvy, and vz to vz plus dvz. ये हमारे पास में हो जाएगा is proportional to a proportional to proportional to the volume हमारे पास में क्या रह जाएगा आपको सभी पता है dx dy dz dbx dby and dv d dv z dv z of the element in the of the element element in the phase space in the phase space. ठीक है, तो इतना सारा आपने देख लिया. therefore the number of the molecules which possess the energy EI. इतना सारा कुछ समझ आया होगा. energy EI and has position coordinates in the range x to x plus dx, y to y plus dy, and z to z plus dz, and position coordinate and velocity velocity components in the range velocity के कौन कौन से हैं vx to vx plus dvx vy to vy plus d vy and vz to vz plus d vz. तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएंगे. तो जो हमारे पास में रहेगा वो रहेगा ni dx dy dz dvx dvy dvz is equal to हमारे पास में रहेगा a e की पावर माइनस बीटा ei. और हमारे पास में क्या रहेगा, यह रहेगा dx dy
dz dvx dvy dvz, ठीक है. बट द एनर्जी ऑफ one molecule is given by तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हमारे पास में आ जाएगा ई आई. अगर मैं बात करता हूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द वन, दिस इज द टू, बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर वाई, वी स्क्वायर जेड. तो ई आई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड. तो ये हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी. देन इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज तो हम इसको लिखेंगे एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू हमारे पास में ए ई की पावर माइनस बीटा. हमारे पास में रहेगा ए ई की पावर माइनस बीटा. ई आई की वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी, बाई टू. और क्या साथ में आ जाएगा एम, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड. और क्या रहेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें पूछ सकता है. इतना आ गया इस तरीके से, ठीक है. देखो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 ओवर द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस दिखाई दे रहा ना, फेज स्पेस तो हमने इसको क्या काम किया, इतना आपने देख लिया. नेक्स्ट देख लिया इक्वेशन 3 के बाद में आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. केवल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस नाउ द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज गिवन बाय, तो कैपिटल एन आ जाएगा. तो हमारे पास में ये आ जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ए की पावर ई की पावर माइनस बीटा एम बाई टू, ठीक है, बीटा एम बाई टू वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई वी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड. इक्वेशन नंबर 4 यहां तक. तो ये हमारे पास में 6 इंटीग्रेशन है और 6 ही हमारे पास में वेरिएबल है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड. तो इस तरीके से 6 हमारे पास में हो जाएंगे. बट अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ, डी एक्स डी वाई और डी जेड बराबर क्या होता है, वी. ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द गैस. V is the
वॉल्यूम ऑफ वेसल वेसल कंटेनिंग कंटेनिंग द गैस गैस। तो आपने जब ये लिख लिया हमारे पास में, तो n इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन का a वहां ले लिया और b वहां ले लिया, कितना आएगा 6 इंटीग्रेशन, और 6 में भी हमारे पास में e की पावर माइनस बीटा m बाई टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y v स्क्वायर z, और क्या रहेगा dvx dvy और dvz, ये हमारे पास में रहेगा नीचे, ये ऊपर है नीचे है इसके साथ में इनटू में। तो इतना आपने जब किया है तो आपने देखा होगा कि क्या हमारे पास में इस तरीके से आता। अब इसको जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है, क्या चीज है हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है उसको आप x के साथ में अलग, y के साथ में अलग और z के साथ में अलग कीजिएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आप लिखोगे n बराबर a भी, फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं e की पावर माइनस बीटा m बाई टू v स्क्वायर x dvx, क्या आएगा dvx इनटू में e की पावर माइनस बीटा m बाई टू v स्क्वायर y dvy, इंटीग्रेशन में आएगा e की पावर माइनस बीटा m बाई टू v स्क्वायर z dvz। ये हमारे पास में इस तरीके से क्या जाएगा एक न्यू इंटीग्रेशन फॉर्म आ जाएगी। क्यों, जब आप लोगे इसमें से कॉमन लोगे, ये कॉमन लेगा तो ये ऐड हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमने जब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी एंड लिमिट ले लेते हैं, द लिमिट ऑफ ईच इंटीग्रल है द लिमिट ऑफ ईच इंटीग्रल इंटीग्रल इन द अबव इक्वेशन अबव इक्वेशन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो जो ये लिमिट है ये क्या जाएगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो केवल मैं इस इंटीग्रेशन को लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस बीटा एम बाई टू वी स्क्वायर एक्स डी वी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस बीटा एम बाई टू वी स्क्वायर वाई डी वी वाई विच इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस बीटा एम बाई टू वी स्क्वायर जेड डी वी जेड विच इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट टू पाई अपॉन में क्या जाएगा एम बीटा, क्या आएगी एम बीटा। तो यहां तक जब आप इसकी वैल्यू को देखोगे इसकी वैल्यू अंडर रूट टू पाई अपॉन में एम बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है इस तरीके से, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। क्या चीज है ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो देखो क्या डालोगे, मैं इसको यहीं दिखा देता हूं इससे आगे। जब आप इसको तो इसकी वैल्यू डालोगे n इज इक्वल टू ए बी, इसकी वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट टू पाई ओवर में एम बीटा इंटू में अंडर रूट टू पाई ओवर में एम बीटा बीटा अंडर रूट टू पाई ओवर में एम बीटा। ये हमारे पास में इसका एक तरीके से सॉल्यूशन आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद।
तो ये कह सकता हूं n इज इक्वल टू ए बी टू पाई अपॉन में एम बीटा की पावर 3/2। ये हमारे पास मान लिया n की वैल्यू, दिस इज द 5। क्या हो गया इक्वेशन 5। तो यहां से आपने n भी है हमारे पास में ए बी, ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू निकालोगे यहां पे, तो n ओवर में भी एम बीटा अपॉन में 2π/3/2। बताइए अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो इस तरीके से आपने ये किया है। और बीटा इज इक्वल टू 1/kT, तो ए इज इक्वल टू एन ओवर में वी एम अपॉन में 2π/kT/3/2। ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आ जाती है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो आपको पता है नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 थी मेरे पास में जब एक इक्वेशन बनी थी जो मैंने इस तरीके से आपने बताया। याद रखना नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन, इस तरीके से लिखना नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन। अब वो इक्वेशन आप देख लेना कौन सी है, मैं उसका नाम भूल गया लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ, ये है ni dx dy dz dvx dvy dvz, विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू डाल दीजिए n अपॉन में v m अपॉन में 2π/kT/3/2 e की पावर माइनस m v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर z अपॉन में क्या था, बीटा था ना, बीटा e की पावर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी kT, 1/2 भी था ना, तो 2 1/2 kT। और साथ में क्या था हमारे पास में, साथ में था dvx dvy dvz, और ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ में dx dy और dz। तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस v को लिखोगे यहाँ पे तो ये आएगी ni dx dy dz dvx dvy और dvz इज इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा n ओवर में v m अपॉन में 2π/kT/3/2 e की पावर माइनस m वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई वी स्क्वायर जेड अपॉन में 2kT, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी इंटू में dx, ये रहेगा dvx dvy और dvz इंटू में v, इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। और जो इक्वेशन बचती है वो ये बचती है, ये तो चलेगा ही, तो क्या आएगा n m अपॉन में 2π/kT/3/2 e की पावर माइनस m v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y v स्क्वायर z अपॉन में 2kT dvx dvy और dvz, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके इस तरीके से आपने इन वैल्यूओं को रखा। केवल इस केस में जब आपने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है, इसको इंटीग्रेट इसमें वैल्यू रखी है, हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा। तो हमने केवल जो कंपोनेंट लिए हैं, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट vx, और ये इस पर केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ में ही लेफ्ट में हमने क्या लिखा, ये ना
यहाँ पे ये थ्योरेटिकल लिख देना कि द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी कंपोनेंट रेंज फ्रॉम वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स इस तरीके से करते हुए एंड इंटीग्रेटिंग ओनली द पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो ये पोजिशन कोऑर्डिनेट के साथ में ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये लिखा नहीं, थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है। तो क्या इक्वेशन आ जाती है आप ये चेक कर लीजिए, आपके जो लास्ट में जो इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाएगी एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी बी एक्स डी बी वाई डी बी जेड इज इक्वल टू, ये पता ही है आपको, तो ये सारी चीज आपको पता है क्या जाएगी, एन एम अपॉन में 2πkT/3/2 e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर वाई वी स्क्वायर जेड अपॉन में 2kT ये रहेगा, और क्या रहेगा डी डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। तो ये 7 बनाई थी, तो मैंने 7 इसको लिख दिया, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नाउ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट Having velocity components in the range Vx to Vx plus dVx, only x component की मैं बात कर रहा हूँ, only x component की, ध्यान देना। Y और Z कंपोनेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अदर टू वेलोसिटी कंपोनेंट velocity components is obtained by integrating right hand side of equation 7 इसका। तो केवल क्या आ जाएगा एन आई डी वी एक्स, केवल इसको करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा ये कांस्टेंट फॉर्म रहेगी। तो क्या रहेगा एन एम अपॉन में 2πkT की पावर क्या रहेगी हमारे पास में 3/2 e की पावर माइनस एम एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2kT ये आ जाएगा हमारे पास में, और क्या रहेगा dx dvx, बाकी अदर क्या रहेंगे इसको रहने के बाद में रिस्पेक्टिव कर देंगे, बाकी इनके साथ में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कर दीजिए e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर वाई अपॉन में 2kT dvy इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर जेड अपॉन में 2kT डी वी जेड, ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आई थी हमने जब निकाला था, है इस तरीके से वैल्यू आ जाती 2kT बीटा, ये तो है तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी एन आई डी वी एक्स इज इक्वल टू एम
एम अपॉन में 2 पाई के टी की पावर 3 बाई 2 ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 kT डी वी एक्स। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई kT अपॉन में एम की पावर 1/2 और ऐसे इसकी 2 पाई kT अपॉन में एम की पावर 1/2। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, ठीक है। एन आई डी वी एक्स इज इक्वल टू एन, भाई इसमें से 1/2 कट गया तो हमारे पास में से एक बचा और एक में से ए आधार गया तो हाफ ही बचा, तो 1 से यहाँ बचेगा क्योंकि अपोजिट है ना। तो एम अपॉन में 2 पाई kT की पावर 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा इसमें ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 kT डी वी एक्स, ये हमारे पास में बच जाएगा एक्स वाला। ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। दिस एक्सप्रेशन इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, चेक कर लीजिए। ठीक है, देर इज नो डाउट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या कराया, मैंने वेलोसिटी कराई है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा स्पीड के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।